डैंग। तो इसके अंदर एक है हमारा सेनहाइजर का हेडफोन, सेनहाइजर का हेडफोन जो अपने प्रोफेशनल स्टूडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये अपने को लाइव वॉइस देगा और परफेक्ट वॉइस देगा। और ये है HD206 मॉडल है, कंट्री फ्रॉम ओरिजिनल चाइना का ही है, ये चाइना से मेड इन चाइना है और इसकी प्राइस है 1500 रुपीज। बट आपको अमेजन फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा पे कुछ ना कुछ आपको उसके डिस्काउंट मिल जाएंगे। और ये आता है हमेशा ऐसे लोगों के साथ जो इसको हम स्कैन करेंगे तो हमारी जो आइटम है उसका ओरिजिनल हमें मॉडल नंबर के साथ में ऑनलाइन दिख जाएगा। तो ये है ओरिजिनलिटी का लोगो, अरे सॉरी सिंबल, स्टिकर, जो भी हो आप सुनो। इसके अंदर ये पीछे लिखा हुआ है सब फीचर्स, इसमें इंग्लिश में लिखा है, डच में लिखा है, फ्रांस में लिखा है, बहुत और चार लैंग्वेज इसमें लिखा है, हमें टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो आओ हम इसको ओपन करते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है अंदर, ये वो उसी के अंदर है। आप लोगों को लगेगा लास्ट लास्ट करके कितनी लास्ट दिखा रहा है। तो ये है हमारा हेडफोन, ये इसके साथ दिया हुआ है हमें, ये मिक्सचर वगैरह एक्सेट्रा में लगाने के लिए डायरेक्ट, क्योंकि ये प्रोफेशनल हेडफोन है तो इसमें ये सब चीज़ आएगी ही। आप में से कई लोग प्रोफेशनल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे एक्सेट्रा, तो उनको पता ही होगा कौन सी चीज़ क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा सेनहाइजर का हेडफोन, इसका वायर भी अच्छा खासा लंबा दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली ये हैगा 5 to 7 feet होगा। क्वालिटी भी अच्छी है, मैट फिनिश दिया हुआ है। ये है मॉडल, इसको हम यूं रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इसको है ना यूं मोड़ नहीं सकते। और वैसे देखने जाए ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसको कुछ होगा नहीं, टूटने का उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आओ हम हमारे नेक्स्ट चीज, और एक चीज़ क्या बची अब लास्ट में बॉक्स में खजाने में हमारे, ये है भाई तुम कहाँ छुपे हुए थे, ये भाई साहब तो सिल के साथ आए हुए हैं, तो इनका सिल तोड़ना पड़ेगा हमें। ये सिल तोड़ा और ये निकला हमारा, ये पावर फैंटम का वायर है। एक्चुअली हमारे पास अभी जो पावर फैंटम है उसका नीड, इसका नीड उसके अंदर है नहीं, बट ये एक्चुअली हमने हमारे एडवांस दूसरी चीज़ के लिए रखा है। ये 3 meter का आता है, 10 feet का, और क्वालिटी भी अच्छी खासी है। इसको हम पावर फैंटम में से डायरेक्ट पीसी में या लैपटॉप वगैरह में उसका इनपुट ले सकते हैं, इसके लिए ये चीज़ होता है, या फिर अपना साउंड कार्ड होता है इसको डायरेक्ट साउंड कार्ड में डाल देने का। और ये है अमेजन बेसिक्स, क्वालिटी भी अच्छी हुई दी है। तो हमने अप्रोक्सीमेट सब चीज़ हमारे जो स्टूडियो में, हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए जो जो चीज़ हमने परचेज की थी सब चीज़ को हमने अनबॉक्सिंग कर दिया हुआ है। और अब ये चीज़ों को हम यूज़ करके फिर आपको इसका रिव्यू भी देंगे। तो यही वीडियो में कंटिन्यू रही है।